Hello student, my name is Varun Chaudhary, Assistant Professor of Law in the Personal Law College Greternada. And today I will tell you about the TP Act and the topic is construct notice. What is the meaning of construct notice? A legal person that a party has a notice when it, it can discover certain fact by due diligence or inquiry into the public record. A party found to ha have construction notice cannot deny knowledge of fact because the party did not have an actual knowledge, since there is a duty to conduct. डू इन्वेस्टिगेशन जो कंस्ट्रक्शन नोटिस होता है मैं उसके बारे में वो कुछ बता देना चाहता हूँ जो नोटिस होते हैं इसके बारे में मान के चले जाता है ये कैसा नोटिस के बारे में मान के चला जाता है कि पार्टी को उसकी नॉलेज होगी ही होगी वो मतलब इसको डिनाई नहीं कर सकता कि ये नोटिस मुझे मिला है नहीं मिला मतलब कुछ ऐसी रूल रेगुलेशन है या ऐसे कुछ नोटिस हैं जिनको जिनको कोर्ट ये प्रजीव करके चलता है कि इसकी नॉलेज डेफिनेटली दूसरी पार्टी को होगी जिसको ये नोटिस भेजा गया है ठीक है ना अभी मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के क्लियर करने की कोशिश करता हूँ मतलब अभी मान लीजिए अभी कोई भी आपको केस करना किसी पर कोई भी मतलब किसी पर शू करना किसी पर कोई भी मतलब कानूनी आपको कोई बात उससे चाहिए तो पहले क्या होता है केस करने पर उसको नोटिस दिया जाता है सूचना दी जाती है भाई या तो इतना जो हमारा आपका पेड्यू है या जो भी हमारी रेमेडी है जो भी हमें लीगली हमारा आप क्लेम है उसको हमें दे दो अदरवाइज हम कोर्ट में जाकर कार्रवाई करेंगे लेकिन इस तरह के जो नोटिस होते हैं कंसूट नोटिस इसमें कोर्ट मान कर ये चलेगी भाई कि ये सूचना आपको पहले ही दे दी गई थी मतलब कि अभी आगे अगर कोर्ट में केस होता है

ये वाला फैक्ट इस इंसान को पता ही होगा कोर्ट की प्रजर्मेशन यही रहेगी कि डेफिनेटली ये जो बात है ये जो भी नोटिस है ऑलरेडी इस पार्टी को या इस पर्सन को जिसको भी मतलब जो भी कोर्ट में दो पार्टी होती है दूसरी पार्टी को जिसने भी कुछ क्लेम लेना या देना है मतलब जिस भी पार्टी पर हम बात कर रहे हैं कि भाई ये नोटिस ऑलरेडी इस पार्टी को मिल चुका होगा मतलब मिल चुका है कोर्ट ये मान के चलेगी प्रजर्म करके चलेगी ये ऑलरेडी नोटिस हो चुका है ठीक है ना वाट इज द एग्जाम्पल क्वेश्चन नोटिस अभी इसके बाद थोड़ा एग्जाम्पल कर क्लियर कर देंगे अंदर अंदर एग्जाम्पल क्वेश्चन नोटिस इज दैट रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग इन कंट्री रजिस्ट्री ऑफ डी मॉर्गरेज लाइन डिवोर्स पेपर एंड अदर काट आर दसडर्ड पब्लिक इन्फॉर्मेशन अभी जो ना हम बात कर रहे हैं कौन से नोटिस की जैसे कि अभी कुछ इन मॉर्गेज लीज लाइन्स है डिवोर्स के जो पेपर है इन सब चीज़ों के बारे में कहना यह बात मान के चली गई है कि पहले से ही दूसरी पार्टी को पता होता है मतलब बाद में वो ये नहीं कह सकता कि मेरे को पता नहीं था ठीक है न और मैंने ये जो मेरे पर कार्रवाई हुई है जो क्लेम के लिमिट पे मतलब केस किया गया तो मेरे को तो ही नहीं था मेरे को मौका नहीं मिला तो इस बारे में नहीं कहा जा सकता क्योंकि कस्ट नोटिस ये कहता है कि ऑलरेडी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन दूसरे कोर्ट की माना चलता कि दूसरी पार्टी ऑलरेडी दी दी जा चुकी है ठीक है तो इसके बारे में बात बाद वही एग्जाम्पल के बारे में दोबारा बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल ये भी जो डीड्स है रजिस्टर्ड डीड है आपका मॉर्गेज है लाइन है डिवोर्स पेपर है अदर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट है जो ये सब चीजें मान के चलेंगे फिर कोर्ट पर एग्जाम्पल चलेगा कि ऑलरेडी इनको नॉलेज दे दी गई है वाट डज प्रिंसिपल कंस्टिट्यूट नोटिस अप्लाई इन कंपनी लॉ नोटिस इज डॉक्टर वेयर ऑल पार्टी डीलिंग विद कंपनी आर डीम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ द कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसोसिएट इज एक्सेप्शन टू द रूल ठीक है ना अभी एक चीज़ मान के चलेंगे कंपनी जो लॉ होता है इसमें भी थोड़ा सा एग्जाम्पल के बताया गया अभी दंपनी डीम ऑफ कंपनी आर्टिकल अभी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और ऑफ एसोसिएशन इसके बारे में ऑलरेडी ये कहा गया कि इस तरह के जो भी रूल्स होते हैं जो इन आर्ट एसोसिएशन और ऑफ एसोसिएशन में ऑलरेडी हैं सबको इसके बारे में मालूम है मतलब अभी कोई बाद में ये बोले कि नहीं जी कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई रूल होता है तो मेरे पर जो कार्रवाई हुई है जो मेरे पर क्लेम किया गया या गलत किया गया तो ये नहीं कहा जाता कोर्ट ये डिफेंस दूसरी पार्टी नहीं ले सकती है कि मेरे को इस बारे में नॉलेज नहीं थी तो कोर्ट ये प्रजेंट करके चलेगा कि इन चीज़ों की लॉ इन चीज़ों की जो हमारे पहले से पहले ही जो हम डिफाइन हो चुके हैं हो चुके हैं जो पहले पहले डिक्लेयर हो चुके हैं कि इसकी नॉलेज दोनों पार्टी को है तो अभी जो पार्टी अपना क्लेम उससे मांग रही है तो दूसरी पार्टी ये कि ये डिफेंस नहीं ले सकी मेरे को बारे में नॉलेज ही नहीं थी ठीक है तो कंस्ट्रक्टिव नॉलेज नोटिस ना अभी इधर नोटिस दूसरे के होते हैं कहीं कहीं नोटिस देना बहुत जरूरी हो जाता है लेकिन कस्ट्रक्टिव नोटिस में गया कर कोर्टी करसम करके चलेगी कि इस नोटिस के बारे में जानकारी दोनों पार्टी को पहले से ही है तो थोड़ा सा ये उससे अलग हो गया है ठीक है ना अभी आर्टिकल कंपनी के जो जो हमारे जो लॉ होते हैं भाई जो भी अंदर आर्टिकल में है या आपका मेरा ऑफ एसोसिएशन में तो अभी पार्टी बोले कि नहीं मेरे को तो पता ही नहीं था लेकिन ऐसे लॉ तो पहले ही बन चुके थे जो कहाँ पे अवेलेबल थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों में अवेलेबल हैं तो इसी तरह के जो नोटिस होते हैं तो इसमें नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है ऑलरेडी ये कोर्ट मान के चले ये चलेगी कि इस तरह के जो नोटिस हैं ऑलरेडी दी जा चुके हैं तो इस तरह नोटिस इसी को कहते हैं तो मुझे लगता है आपको इस बारे में समझ में आ गया और जो थोड़ा जो डिक्लेयर करेंगे हम अगले वाले जो आपकी वीडियो आएंगे उसमें हम इस बारे में डिस्कस कर लेंगे और जो बचा हुआ इसका पार्ट है ठीक है तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच